बहरहाल हम लोग कार्यक्रम अब आगे बढ़ाएंगे और पहले सेशन का उनका कार्यक्रम उड़ीसा व्यवसायियों का कल सुबह मैपल रोड होटल में ही 10 बजे के बाद भोजन के पहले रख लेंगे। तो हमारे मुख्य अतिथि रास्ते में ही हैं, वो आ रहे हैं। अभी पहला सेशन जीएसटी के बारे में होगा, जिस पर आपको प्रेजेंटेशन जो है वो श्री उमंग जलान देंगे, और उसके बाद लगभग 4 बजे 4:15 बजे हम लोग चाय के लिए टी ब्रेक करेंगे, और 4:30 बजे से पुनः हम लोग इस हॉल में इकट्ठे होकर के और जीएसटी पर ही और कार्यक्रम करते हुए जो आयकर के नए कानून आए हैं लेन देन को लेकर के और खर्च को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे, और प्रेजेंटेशन के दौरान जो आपके प्रश्न होंगे उसको आप अपने पैड पर लिखते जाइएगा, तो लास्ट में हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। जो सबसे बड़ी विडंबना है अभी कि जहां जीएसटी का एक्ट रूल और शेड्यूल अभी तैयार ही हो रहा है और उसमें लगातार परिवर्तन भी आ रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन जो पीछे में हुए थे उसके ऊपर और भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो तरह तरह के विषय तरह तरह के कागज घूम रहे हैं व्यापार जगत में। ये एक इस कानून की जो दिक्कत आ रही है, खामी है ये अभी तक। तो मैं ये आश्वासन 100% आपको दे सकता हूँ कि जीएसटी कोई भय नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। अभी आपको उमंग जी बताएंगे, बहुत सरल प्रक्रिया है। बस ये समझिए कि जैसे आप वैट चला रहे थे वैट, वैसे ही ये वैट की तरह दो सिस्टम अब चलेगा, एक राज्य सरकार का और एक केंद्र सरकार का, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। और पूर्णतः वैसे ही है जैसे आईटीसी आपको पहले मिलता है आप वैट से, वैसे ही आपको आईटीसी मिलेगा, वैसे ही आपको टैक्स जो आपका टैक्स बना आईटीसी डिडक्ट करने के बाद वो आपको पेमेंट करना है। तो ये एक अच्छी सरल प्रक्रिया है, और ये आयोजन कंपनी ने इसलिए रखा है कि कंपनी का मानना है कि अंतिम बिंदु तक हमारा व्यापारी सशक्त होना चाहिए, अंतिम बिंदु तक। आज हम अपने लगभग 350 व्यापारियों को एजुकेट कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, उनको जानकारी देंगे, और ये आशा रखेंगे कि जब आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएं तो अपने खुदरा व्यवसायियों की शंकाओं का भी आप निवारण करेंगे यदि आवश्यक है, क्योंकि मेरे अंदाता आप हैं और कहीं ना कहीं हम सबके अंदाता रिटेलर है, और इन तीनों का अंदाता उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता को निर्बाध गति से माल की सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कंपनी भी सशक्त हो, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी सशक्त हों, और कंपनी के खुदरा व्यवसायी भी सशक्त हों। ये तीनों लोग सशक्त हो जाते हैं तो वो उत्पादन निर्बाध गति से जो है कंज्यूमर को उपभोक्ता को मिलता रहता है। इस दृष्टिकोण से ये आज सभा रखी गई है। ये शायद अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए गेट टुगेदर किया, या प्रोडक्ट को या कंपनी के नए पॉलिसीज के लिए गेट टुगेदर रखा, परंतु ये गेट टुगेदर आज पहली बार एक शैक्षिक शिक्षण हेतु रखा गया है, और मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि विषयों को गंभीरता से समझिए, जो आपकी शंकाएं हैं उसको कागज पर लिखिए, अंत में उन सारी शंकाओं का जितना हम हो सकेंगे जानते हैं उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा आपसे वर्क भी करवाएंगे, आपके मिनु मार्केटिंग का विजक दिया गया है, वॉइस दिया गया है अलग से, और साथ में एक आपको अलग से इनवॉइस की प्रतिरूप भी दिया गया है, वो
उसको भी आपसे स्वतः भर करके कि आपने अगर 10-10 पीस माल बेचा तो आप कैसे उसको बनाएंगे इनवॉइस को, वो सारी चीज़ें हम आज प्रक्रिया में करेंगे जिससे कि आपका भय समाप्त हो जाए। ये हम लोगों का मनु अग्रवाल जी का की सोच थी, हम जाएंगे तो एकदम भयमुक्त होकर के और व्यापार को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत अच्छा ये मौका है, मैं तो इसको बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि आज अगर सारा चीज अनुशासित तरीके से होगा तो आज सरसों तेल जैसा प्रोडक्ट 75 रुपए में भी मिल रहा है और हमारा प्रोडक्ट 120 रुपए में भी मिल रहा है। ये जो इतना डिफरेंस है, वाइड डिफरेंस, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दर्शाता है। तो वो गड़बड़ियाँ दूर होने पर या तो 75 नीचे आएंगे, तो एक उचित भाव पर सही वस्तु उपभोक्ताओं को मिल पाएगी। ये मेरा अपना जो सोच है, दूरदर्शिता है, ये कहती है हमारे लाभ में कोई कमी नहीं होने जा रही है, किसी भी प्रकार का कोई डंडा नहीं चलने जा रहा है। व्यापार जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। इस 125 करोड़ की जनसंख्या के देश में व्यापारी की सेवाओं को कोई नकार नहीं सकता। किसी में इतना दम नहीं है जो इस सोसाइटी को बिना व्यापारी के वस्तुएं उपलब्ध करा सके। ये मेरा अपना व्यू है। सरकार की पीडीएस की क्या हालत है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम का सब लोग जानते हैं। कंपनियों ने स्वतः प्रयास किया कि डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, उन कंपनियों का क्या ह्रास हुआ है उसकी भी आप लोगों को सबको जानकारी है। तो आप व्यापारी हैं और आप व्यापारी होते हुए एक सभ्य समाज की सेवा कर रहे हैं और छोटा सा लाभ कमाते हैं, ऐसी भावना मन में रखिए और अपने आप को श्रेष्ठ जन मान के चलिए। कोई कमाई करना कोई बुरी काम नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है।